दिया। पाँच नहीं 29 की 29 सीट हमने लोकसभा की डिक्लेयर कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार भी होगी NDA के माध्यम से और प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय शंकर ललवानी जी को, माननीय अनिल फिरोजा जी उज्जैन लोकसभा से, श्रीमती कविता पारधी हमारी अपनी बेटी बालाघाट से, सावित्री ठाकुर धार से और बंटी साहू छिंदवाड़ा से, सभी मित्रों को बधाई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब लोग लगेंगे। बहुत बहुत बधाई भैया। चलो भैया, चलो चलो भाई साहब, टोपी 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 इनकी टोपी है यार, लगा लगा सबका लगा। सर एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, सर आपको पुनः टिकट मिला, लगा लो और क्या। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इंदौर में एक बार फिर मौका दिया। हम सब इंदौर के जो पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ और इंदौर की जनता के आशीर्वाद के साथ हम इंदौर में एक नया इतिहास बनाएंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे। सर पिछली बार दूसरी सबसे बड़ी जीत थी प्रदेश में, इस बार हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे। शहर के विकास के लिए हम लगातार लगे हैं और डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे विकास किए। माननीय मोदी जी ने इंदौर और इंदौर के आसपास 25,000 करोड़ के काम प्रारंभ किए, इसी काम को और आगे ले जाएंगे और ये हमारा शहर उम्मीदों का शहर है, तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। जब पहले घोषित हुआ तो उस टाइम आपने खूब काम किया, उसका इनाम मानते हैं दूसरी बार टिकट? देखिए मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो जवाबदारी देती है वो हम करते हैं, काम हम सब मिलकर करते हैं। ये एक लाइन बना जनता की बात, जनता के साथ।